गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर चल रहा है जिसमें अब तक हम लोग तीन मेथड कर चुके हैं और ये है फोर्थ मेथड। इसके पहले हम लोग अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखिए तो आप इसके पहले वाले लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पे बैक मेथड का क्वेश्चन करा है, फिर ARR और फिर NPV मेथड किए थे। और ये चौथे मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जाता है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो और हर एक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलता कैसे है और इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो फॉर्मूले के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। अब डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, कैसे डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए फाइबल होगा या नहीं होगा। तो अगर एक प्रोजेक्ट हो, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो वहाँ देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट माना जाता है, और अगर एक से कम होगा तो उसे नॉट प्रॉफिटेबल माना जाता है या फाइनेंशियली वाइबल मानेंगे अगर एक से ज़्यादा होगा तो, और एक से कम होगा तो नॉट वाइबल मानेंगे। उसी तरीके से एक से अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो उस केस में देखेंगे कि किसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, तो उसे हम क्या मानेंगे, बेस्ट प्रोजेक्ट मानेंगे। हाउ टू टेक डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के अंदर। तो यहाँ पर देखो, अगर एक प्रोजेक्ट हो तो अलग तरीका है, एक से ज़्यादा होगा तो अलग तरीका है। यहाँ लिख देते हैं फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल NPV मेथड के जैसा ही है। NPV मेथड में हम लोग क्या करते थे, NPV कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करते थे, और यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो डिवाइड करेंगे तो PI आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, वहीं पर अगर माइनस कर दे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आता था। अब देखिए इसमें डिसीजन कैसे लेते हैं फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, अगर एक ही प्रोजेक्ट हो तो अलग तरीका है और एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो अलग तरीका है। फॉर मोर देन वन प्रोजेक्ट, देखिए अगर एक प्रोजेक्ट हो, एक सिंगल प्रोजेक्ट हो और वहाँ पर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लो दिया हो, NPV फैक्टर दिया हो, तो वहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और फिर देखेंगे कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा होगा तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब उसे प्रॉफिटेबल माना जाएगा। वहीं पर अगर एक से कम होगा तो उसे प्रॉफिटेबल नहीं माना जाएगा। तो उसी बात को यहाँ लिख, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन, एक से कम है या ज़्यादा वो दिखाता है, देन मतलब उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये देखना है। इफ़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज स्मॉलर देन वन, और मोर देन वन वाले प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिख दो, हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी एक्सेप्टेड। अगर मान लो तीन प्रोजेक्ट है तो तीन में से जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो सिंपल सा है, आइए इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे डिसीजन मेकिंग करना होता है। ओके, ये पहले क्वेश्चन है PI का, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट NPV एंड सेकेंड में है PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एज्यूमिंग रेट ऑफ डिस्काउंट एट 14%, डिस्काउंटिंग रेट या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 14%, और 14% का ये देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का। तो जब भी आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हो, डिस्काउंटिंग रेट दिया हो, तो उसका PV फैक्टर दिया हुआ रहता है। और इनिशियल कैश आउटले मतलब प्रोजेक्ट में आप 150,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको फ्यूचर में कितने की इनकम होगी, पहले साल 80,000, दूसरे साल 70,000, तीसरे साल 50 और चौथे साल 40,000, ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो
तो इसे आपको क्या करना है, एनपीवी निकालना है क्वेश्चन में बोला है वन में, और दूसरा में पीआई निकालना है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें इसके बारे में पूछा नहीं है, बट हम लोग कंक्लूजन भी लिख देंगे कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। यह सिंगल प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है। तो आइए सबसे पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, यहाँ पर यहाँ पर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे ईयर, 4 ईयर दिया हुआ है, 1 2 3 4, और कैश इनफ्लो लिखा हुआ है, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब अब 1-1.5 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाओ तो कितना कितना पैसा आएगा। पहले साल 80,000 की इनकम होगी, दूसरे साल 70,000, तीसरे साल 50,000, और चौथे साल 40,000 की इनकम होगी। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 14%, डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% दिया हुआ है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब होता है कि अगर ये पैसे 1.5 लाख रुपये कहीं बैंक वगैरह में रखते हैं, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 14% की इनकम होता, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, या अब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो इसका पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या फिर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। 0.877, ये फर्स्ट ईयर की 14% की पीवी फैक्टर दिया है, 8.77। दूसरा है 0.769, बिल्कुल प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो सीखे वैसे बनाना है, 0.675 एंड 0.592। कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 80,000 इंटू 0.877, वैसे ही 70,000 इंटू 0.769, फिर 50,000 इंटू 0.675, 40,000 इंटू 0.592, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पर ये सब आएगा, 70,160, 53,830, 33,750, 23,680, और इसको कर दो टोटल। ओके, ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो फ्यूचर में आपकी इनकम होने वाली है 80,000, 70,000, 50,000 एंड 40,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब एक साल के बाद अगर आपको 80,000 आने वाला है तो उसका अभी का वैल्यू होगा 70,160, और सेकेंड ईयर में आपको 70 आने वाला है उसका आज का वैल्यू है 53,830, वैसे 50,000 की वैल्यू है 33,750, और 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू है 23,680। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टोटल करेंगे। अब टोटल करने के बाद आप निकालो पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के पहले आपको बोला है एनपीवी निकालो। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसका ये प्रेजेंट वैल्यू, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपकी फॉर्मूला है। तो सिंपली माइनस करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ रहा है 181,420, और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,50,000। तो 1,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू 1,50,000 ही होगा, क्योंकि साल के शुरुआत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है। अगर मान लो साल के दूसरे साल में करते, तीसरे साल में करते, तो फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बट ये साल के एकदम स्टार्टिंग में है, उसको इनिशियल कैश आउटले बोलते हैं या इनिशियल कैश आउटफ्लो बोलते हैं, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1,50,000 ही रहेगा। इसको माइनस कर दीजिए तो 31,420 रुपीज आ जाएगा। यह है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, अपने पिछले वाले टॉपिक्स में भी देखा होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में अगर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया है 31,420 रुपीज़, ये अगर पॉजिटिव अमाउंट हो, प्लस में 0 से बड़ा हो, तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वाइबल माना जाता है, मतलब उसे एक्सेप्ट करना होता है, उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट माना जाता है। वहीं पर अगर 0 से कम होता, नेगेटिव में होता, तो उसे फाइनेंशियली नॉट वाइबल बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड भी पूछा था इसमें पीआई निकालो।
दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि हमारा आज के टॉपिक्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, लेकिन एनपीवी में माइनस करते थे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसका मतलब सारा कुछ प्रेजेंट वैल्यू का ही खेल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया था आपका 181,420, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है 150,000, इसको डिवाइड कर दीजिए आ रहा है 1.21। तो अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में डिसीजन कैसे लेते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक डिसीजन भी लिख देते हैं कि अगर आपको फैसले लेना हो कि इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो फिर क्या तरीका होता है। देखो फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट इफ पीआई इज ग्रेटर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और एक से कम है तो नहीं करना है। तो कंक्लूजन में यहाँ लिख सकते हैं एक से ज़्यादा है, बिल्कुल 1.21 है, तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम लोग इस मेथड का लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिखेंगे सेंस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन हैंस दिस प्रोजेक्ट, तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन हो कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तब ये लिखना है। इस क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं था, इसमें बस क्या बोला था आपको पीआई निकालो और एनपीवी निकालने के लिए बोला था। तो इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।